झारखंड में जनता कर्फ्यू का अभूतपूर्व नजारा। जनता कर्फ्यू का रोज कमाने खाने वालों ने भी किया समर्थन। कोरोना से जंग शुरू, हिंदुस्तान कोरोना को देगा मात। हिंदुस्तान ने किया कोरोना का सर्जिकल स्ट्राइक। 22 मार्च दिन रविवार सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू लगी रही। इस दौरान ट्राइबल इंडिया टीवी ने भी झारखंड की राजधानी रांची के प्रमुख चौक चौराहों, अस्पताल, रेलवे स्टेशन आदि का जायजा लिया। जो कुछ हमने देखा समझा उसे आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी दर्शकों से अपील है कि कोरोना महामारी से बिल्कुल न घबराएं, बल्कि सचेत रहें, सजग रहें। खबर दिखाने का मकसद सकारात्मक है ताकि लोग जागरूक बने, अपने को सुरक्षित करें, तभी देश सुरक्षित रहेगा। जनता कर्फ्यू हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार लगा, जिसमें हर एक आम व खास लोगों ने अपनी एकजुटता, अपना समर्थन राष्ट्र के नाम दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हिंदुस्तान जाति धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत के खातिर पूरे दिल से समर्थन दिया। पूरा विश्व हिंदुस्तान के इस फैसले एकजुटता की सराहना कर रहा है। कोरोना से जंग का एक अभूतपूर्व नजारा, एक ऐसा मिसाल हिंदुस्तान ने पेश किया जिसे पूरा विश्व देखकर उत्साहित है। बात करें झारखंड की राजधानी रांची का, तो जनता कर्फ्यू का असर अहले सुबह से ही देखने को मिलने लगा। आम जनजीवन पूरी तरह से स्वतः ही ठप नजर आई। सड़कें और गलियां सुनसान पड़ी थीं, दुकानें ठेले खोमचे सभी बंद पड़े थे। रेलवे स्टेशन हटिया पर रेलवे सुरक्षा बल के जवान मुस्तैदी से ड्यूटी निभाते देखे गए। वहीं हटिया स्टेशन पर आरपीएफ महिला कांस्टेबलों ने इस अभूतपूर्व क्षण को अपने साथियों के साथ यादगार के तौर पर कैमरे में कैद किया। अपनी ड्यूटी के दौरान सजग रही महिला पुलिस। वहीं रांची स्टेशन पर भी विशेष चौकसी बरती जा रही थी। बेवजह यात्रियों को प्लेटफार्म के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा था। रेलवे सुरक्षा बल के जवान यात्रियों को समझाते नजर आए। यात्रियों को अंदर जाना है, लेकिन जब ट्रेन आने जो रनिंग ट्रेन है वो आएगी तब जा सकते हैं। वो ऐसे अनऑथराइज अभी नहीं जा सकते हैं बिना ट्रेन के आए। वहीं कई यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए परेशान दिखे। बेसिकली मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं सो गया था ट्रेन में, तो मैं यहाँ पे बेसिकली रांची पहुंच गया। मेरे को वापस से बोकारो जाना है, मैं ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मेरी दी का घर है लेकिन मैं वहाँ जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही है। जनता कर्फ्यू में भीतर नहीं जाना है, तो हम लोग बाहर खड़े हैं। ट्रेन एगो है, आएगी तो उससे जाना है, उसमें टिकट भी नहीं मिल रहा है, तो अब हम लोग करेंगे काम। तो आप लोग जनता कर्फ्यू का समर्थन कर रहे हैं या नहीं? 100% कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग वहाँ से चल दिए हैं और टिकट पूरा थी प्लेन का पूरा पैसा कट जाता है, तो हम लोग कहाँ चलाएंगे? हम बेमरिया आदमी गए थे बनवाने के सीट पर। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? बैंगलोर से आ रहे हैं। और चूंकि आज 22 तारीख है, जनता कर्फ्यू है, आपको पता नहीं था क्या? पता था, बट ट्रेन तो रिशेड्यूल नहीं हो सकती ना। जितनी की टिकट है वापस 8,000 तो पे नहीं कर सकते ना, इसलिए फिर। तो आप लोग को जाना कहाँ है? धनबाद जाना है हमें। अच्छा, तो ये परेशानी में फंस गए हैं आप लोग? परेशानी फंस गए, और चेक किया था तो ट्रेन कैंसिल नहीं है एलएपी, तो वेट करे बस एलएपी आएगी और घर जाए। इसी दरमियान हटिया और रांची स्टेशन पर एलएपी धनबाद एक्सप्रेस ट्रेन पहुंची, जहां पर सैकड़ों यात्री जो कि चेन्नई, बेंगलुरु, केरल आदि से जगहों से आए थे, जनता कर्फ्यू के मद्देनजर इन यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान रेलवे सुरक्षा बल द्वारा सभी यात्रियों को प्लेटफार्म से जल्द बाहर निकालने का आग्रह करते देखा गया। वैसे यात्री जिन्हें रांची के बाहर जाना था लेकिन सवारी नहीं मिलने से दिन भर यात्री सड़कों पर इधर उधर भटकते रहे।
पुलिस इन यात्रियों को समझाते नजर आई। अनावश्यक भीड़ से बचने और दूरियां बनाकर रहने की सलाह दी गई। आराम से घर में रहिए, बढ़िया से रहिए और खुश रहिए, बस हम लोग यही दुआ है भैया। बहरहाल जनता कर्फ्यू के दौरान हमने रांची रिम्स अस्पताल का जायजा लिया, जहां कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए एहतियात बरते जा रहे थे। डॉक्टर, नर्स सभी बड़े मुस्तैदी के साथ अपने फर्ज निभा रहे थे। कई जिम्मेवार नागरिक जो बाहर से रांची पहुंचे थे, वो रिम्स पहुंचकर कोरोना का टेस्ट करवाने पहुंचे थे, जो कि एक सजगता और सतर्कता की मिसाल है। आप किस लिए आए हैं यहाँ पे? कोरोना का टेस्ट कराना है। अच्छा, क्या मतलब आपको क्या सिम्टम नजर आ रहा है? सिम्टम ने बाहर से आए थे, इसीलिए टेस्ट कराना। कहाँ से आए हैं आप? विशाखापट्टनम से। अच्छा, तो किसने आपको यहाँ भेजा? खुद से। मेरा नाम पुलिस है, मैं एक्चुअली अभी विशाखापट्टनम से रांची आया हूँ। तो मेरे एक हफ्ते में बनता था कि जाने से पहले मैं अपना टेस्ट करा लूँ, बस मेरे को कोरोना वायरस से कुछ है कि नहीं, इसलिए मैं आया हूँ। तो आज चूंकि जनता कर्फ्यू है और आप ये समझ रहे हैं कि अपने प्रति जिम्मेवारी निभाएं और कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य समझा, इसलिए आप जो है कि रिम्स आए हुए हैं। वहीं रिम्स में इलाज करा रहे मरीजों के परिजनों ने शिकायत की कि पानी में छोटे छोटे कीड़े रेंग रहे हैं, स्वच्छ पानी का कोई इंतजाम नहीं है, मजबूरी में लोग इसे ही पी रहे हैं, जिससे कि संक्रमण बढ़ने का खतरा है। चूंकि दुकानें बंद थी, इसलिए बोतल बंद पानी भी नहीं मिल रहा था। दुकानदारी बोल रहे हैं, हमें पैसे को चार से भर्ती किया गया, रोज पानी यही पिला रहे हैं। जब कल रात में देखे हम, तो इसमें बड़ा बड़ा कीड़ा नजर आ रहा है, पीने के लायक है नहीं ये पानी, प्रदूषित पानी है। नहीं सर, ऐसा तो शिकायत कभी नहीं आया है। आप लोग आए हैं तो हम जानकारी देना चाहते हैं कि 11 फरवरी से मेरा पेशेंट एडमिट है और इस तरह पानी पियेंगे, हम लोग भी पियेंगे, हम बीमार नहीं है, ये पानी पीने से हमको भी बैक्टीरिया लग सकता है। जनता कर्फ्यू के दौरान रोज कमाने खाने वाले गरीब, रिक्शा चालक, ठेले खोमचे वाले भी पूरी तरह से बंद का समर्थन किए। रिक्शा ठेले सभी बंद पड़ी थी। वहीं फुटपाथ पर रहने वाले गरीबों को जनता कर्फ्यू के दौरान परेशानी उठानी पड़ी। ये ऐसे गरीब हैं जिनका न कोई घर है न कोई ठिकाना। मासूम बच्चे कोरोना संक्रमण से अनजान फुटपाथ पर ही अपने में मशगूल थे। वहीं कूड़ा चुनने वाला एक मासूम थका हारा बच्चा सो रहा था, लेकिन सजगता देखिए कि उसने मास्क लगा रखी थी। जनता कर्फ्यू के दौरान पुलिस, प्रेस, डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी अपनी अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से निभाते देखे गए। इस दौरान कहीं सजगता तो कहीं लापरवाही तो कहीं मार्मिक दृश्य, गरीबों का हाल बेहाल तो रिम्स में कुछ मरीजों के शव भी देखने को मिले। ये सब कुछ चलता रहा और ट्राइबल इंडिया टीवी की टीम भी पूरी मुस्तैदी और सजगता के साथ समाचार कवरेज की। विश्व भर के लिए महाकाल बना कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए हमेशा सतर्क रहें। यही आप तमाम सम्मानित दर्शकों से ट्राइबल इंडिया टीवी भी अपील करती है। अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें, केंद्र और राज्य सरकारें की एडवाइजरी को समझें और उसका पालन करें, तभी हम स्वस्थ और सुरक्षित रह पाएंगे। ट्राइबल इंडिया टीवी के लिए अपने सहयोगी अभय बेदिया के साथ मनोज शरण। ट्राइबल से जुड़े सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें ट्राइबल इंडिया टीवी ऐप।